ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੱਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। कोरोना वायरस का असर बसों में भी देखने को मिल रहा है क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उनके द्वारा भी तैयारी जो है पूरी तरीके से की जा रही है। फिलहाल हम सीटीयू के डिपो में खड़े हैं और आपको बता दें यहां पर देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है जो यहां पर बसें हैं। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर नरेंद्र सिंह है जो यहाँ पर ड्यूटी इंस्पेक्टर भी है और इंचार्ज भी है। सर सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं कितनी बसें यहाँ पर जो है वो इस तरीके की पहुंचती है और उनको जो है सैनिटाइज किया जाता है। सभी को जो हमारे को चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे डायरेक्टर हैं उमा शंकर गुप्ता जी हैं, उन्होंने हमारे को मीटिंग करके सुबह को 11 बजे सेंक्शन दी है कि सभी बसों को सैनिटाइज करना, उससे हमारे को दो मुहैया करा दी और हम उसको शाम को ही हमने इसको चालू कर दिया। उसके हर रोज सुबह और शाम जितने भी गाड़ियाँ डिपो में आती हैं सभी को 170 गाड़ियाँ जो है वो सैनिटाइज की जाती है। हर रोज गाड़ियों को और जो भी इसके वर्कशॉप में जो है उसमें है जो वर्कशॉप जितने भी टैप पॉइंट है जो भी बिल्कुल तो तैयारी जो है वो चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से भी पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं ये एक डिपो है, ऐसे कई डिपो जो है वहां पर इसी तरीके की तैयारी की जा रही है और सैनिटाइज जो है वो बसों को किया जाता है। और साथ ही क्योंकि जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं वो लोगों से रूबरू होते हैं, ज्यादातर कंडक्टर जो रूबरू होते हैं उनसे पैसे लेकर उनको टिकट देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी मास्क का इंतजाम किया गया है और हैंड सैनिटाइजर की जो है वो बात वो सामने आ रही है और उसको भी जल्द ही जो है वो लाया जाएगा। कैमरामैन खुर्शीद के साथ बजम वर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। चंडीगढ़ विच कोरोना वायरस के कारण इंडस्ट्री नु भी काफी नुकसान हो रहा है, इस दे मार एविएशन इंडस्ट्री ते भी पई है। चंडीगढ़ के सैक्टर 34 विच यात्रियों की लंबी लाइन नजर आई। एयर इंडिया के दफ्तर बाहर टिकट कैंसलेशन करवाउण आए मुसाफरां की लंबी लाइन वेखन मिली है। सिर्फ एयर इंडिया दियां रोज़ाना 100 तों 150 इंटरनेशनल बुकिंग कैंसल हो रही ने। इंटरनेशनल फ्लाइट तो बुकिंग कैंसल हो रही है, सो कितना कितने यात्री भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कोरोना वायरस का असर एविएशन इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। इस वक्त हम जो चंडीगढ़ का एयर इंडिया का बुकिंग ऑफिस है वहां पर खड़े हैं जहां पर कल तक जो है वो पैसेंजर्स की कतार लगी हुई थी, ये टिकट बुक करवाने के लिए नहीं बल्कि टिकट्स जो है वो कैंसिल करवाने के लिए जो है वो लगाई गई थी क्योंकि सरकार द्वारा ये आदेश दिए गए थे कि अगर जरूरी काम हो तभी अपने घर से बाहर निकलें, विदेश का दौरा जो है वो तभी करें जब कोई जरूरी काम हो, वरना इसको अवॉइड ही करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जिस तरीके का असर जो है वो कोरोना वायरस का दिख रहा था इसके चलते कई सारे लोगों ने अपनी जो है वो बुकिंग कैंसिल करवाई है। और अगर इंटरनेशनल सर्विसेज की बात करें, इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करें तो करीब 50% जो है वो कमी देखने को मिली है और अगर वहीं डोमेस्टिक फ्लाइट्स की बात करें तो 25% से 30% कमी जो है वो एविएशन में आई है। अगर साथ ही बात करें कल जो फ्लाइट नई दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर रवाना हुई थी एयर इंडिया की तो उसमें महज 11 पैसेंजर थे, वहीं
अगर टिकटिंग की बात की जाए तो जो गोवा से चंडीगढ़ जो है फ्लाइट आ रही थी, जिसकी कीमत जो है वो 16,000 रुपये एक तरफ की बताई जा रही थी, उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है और 7,000 रुपये जो है, 7,000 से 9,000 रुपये के बीच जो है कीमत पहुंच गई है, जिसका काफ़ी भारी नुकसान जो है वो एविएशन इंडस्ट्री को भी झेलना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि ये नुकसान जो है, ये कमी जो है वो कब तक एविएशन इंडस्ट्री को इसी तरीके से झेलनी पड़ेगी, या फिर ये भी देखना होगा कि क्या ये कमी और ज़्यादा गिरती है या नहीं। कैमरामैन खुर्शीद के साथ बजम वर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़।